जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। और आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे देश में जो संस्थान हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उन संस्थाओं के इस समय प्रमुख कौन हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा 2021 में जो भी आपकी सारी नई नियुक्तियाँ हुई हैं, उन सारी नियुक्तियों को भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा दो प्रश्न करवाऊंगा, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा टफ प्रश्न होंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस मैं आपको और करवा दूंगा। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सेबी के बारे में सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि सेबी की स्थापना संसद के द्वारा एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि अजय त्यागी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह भारत में बीमा व्यवसाय को विनियमित करने वाली संस्था है। और चौथा स्टेटमेंट है कि इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह बीमा व्यवसाय को विनियमित करने वाली संस्था है, ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ये आपके शेयर मार्केट को करती है रेगुलेट, तो इस प्रश्न का सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी सारे आपके पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हैं। नाम इसका है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। उसके बाद में संसद के एक एक्ट के द्वारा इसको 30 जनवरी 1992 को एक कार्यकारी निकाय बनाया गया था। मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष इस समय है अजय त्यागी। एक और प्रश्न कर लेते हैं कि नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका गठन योजना परिषद के स्थान पर किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि यह वित्त मंत्रालय के प्रति जवाबदेह है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके हो जाएंगे गलत, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ई हो जाएगा करेक्ट। अब कैसे गलत है, आप सभी को पता होगा कि पहले हमारे यहाँ पर होता था योजना आयोग, तो योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री इसके होते हैं अध्यक्ष, और ये वित्त मंत्रालय के नहीं, प्लानिंग मिनिस्ट्री, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है उसके प्रति होता है जवाबदेह। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ई हो जाएगा इसका करेक्ट। तो नीति आयोग के बारे में आप जान लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष इसके हैं राजीव कुमार, और अमिताभ कांत इस समय हैं सीईओ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। आज यहाँ पर आपको रात में 10 बजे एक क्लास मिलेगी जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे कमेंट में। और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में इस क्लास की लिंक मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस समय सारे बेस्ट एजुकेटर अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की एक सिस्टमेटिक वे में बहुत ही कम फीस में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद में अपने उस पार्टिकुलर गोल को आप लोग चुन सकते हैं जिसकी आपको तैयारी करनी है, और उसके बाद में आप क्लिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन पर, और जब आपसे वहां पर कोड पूछा जाएगा तो यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको तुरंत मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। तो सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं जो भी हमारे इस समय प्रमुख हैं। तो पहले बात करेंगे भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश की। तो याद रखिएगा इस समय इस पद पर हैं, इनका नाम है NV रमना, और अभी अप्रैल महीने में इनकी नियुक्ति हुई है। हमारे देश के 48वें नंबर के ये चीफ जस्टिस बने हैं। और याद रखिएगा पहले नंबर के कौन थे, तो हीरालाल जी कानिया थे। हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कई बार लोग 26 कर देते हैं ऑप्शन में जब मिलता है उनको, लेकिन 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की हुई थी स्थापना। आगे बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की नई महानिदेशक की। तो याद रखेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पद पर अभी इसी साल नियुक्त हुई हैं नाइजीरिया की नोगोजी ओकोंजो इवेला। क्या नाम है, नोगोजी ओकोंजो इवेला, ये है नाइजीरिया देश की। और 1 नवंबर 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा में, और रॉबर्ट एजोवेडो का इन्होंने स्थान लिया था। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की। तो इसकी प्रमुख बनी है नजहत समीम, और ये है फिजी देश की। कहाँ की हैं, फिजी देश की है नजहत समीम।
आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के समय महासचिव है, नाम है इनका एंटोनियो गुटेरेस। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की, तो ये है टर्की के बोल्कन वोजकीर, और अभी ये गए थे पाकिस्तान के दौरे पर। वहाँ पर इन्होंने ये भी कह दिया कि इजराइल और फलस्तीन का जो विवाद है वह उसी प्रकार से जैसे भारत और जम्मू कश्मीर का है, तो एक विवादास्पद इन्होंने बयान भी दिया। और चीन के पाकिस्तान के द्वारा अपने यहाँ के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया, इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खुश भी हुए थे। तो चलिए कमेंट में ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है जिसको यहाँ पर इन्हें दिया गया है। आगे बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की, तो इस पद पर हैं इस समय टेड्रस एधनाम, और ये इथियोपिया के इस समय नागरिक हैं। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक की बात करते हैं, तो इस पद पर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि हैं बल्गारिया देश की। फिर बात करते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष की, तो डेविड माल्पास इस पद पर हैं, जो कि अमेरिका के हैं। आईसीसी के नए अध्यक्ष की बात करते हैं, तो ये बने हैं ग्रेग बार्कले, जो कि हैं न्यूजीलैंड के, और हमारे यहाँ के एक व्यक्ति थे शशांक मनोहर, उनका इन्होंने स्थान लिया है। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी अध्यक्ष की, तो डेनमार्क की हैं इंगर एंडरसन, जो कि इस समय इसकी प्रमुख हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक की बात करते हैं, तो इसके इस समय प्रशासक हैं, नाम इनका है अकीम स्टीनर, और ये कहाँ के हैं, तो ये आपके हैं ब्राज़ील देश के। फिर बात करते हैं यूनेस्को के महानिदेशक की, तो यूनेस्को के इस समय महानिदेशक हैं आद्रे एजोले, और ये आपके फ्रांस देश की हैं। फिर बात करते हैं फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की, तो इसके इस समय अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो, कौन है गियानी इन्फेंटिनो। आगे बात करेंगे मास्टर कार्ड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं अजय बंगा, ये पहले सीईओ थे, तो अब सीईओ बन गए हैं माइकल मायबैस, और इनके स्थान पर यहाँ पर जो अजय बंगा थे उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। नोकिया के नए अध्यक्ष और सीईओ की बात करते हैं, तो पीका लैंडमार्क है इस पद पर, पिछले साल हमारे भारत के थे राजीव सूरी, उनका इन्होंने स्थान लिया था। आगे बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नए महानिदेशक की, तो ध्यान रखिएगा इस पद पर इस समय है डारेन तांग, कौन है डारेन तांग है, जो कि सिंगापुर के हैं, और पिछले साल इन्होंने फ्रांसिस गरी का स्थान लिया था। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि की, तो इस पद पर पिछले साल ही नियुक्ति हुई थी टीएस तिरुमूर्ति साहब की, और इन्होंने स्थान लिया था सैयद अकबरुद्दीन का। आगे बात करते हैं विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो इस पद पर है कार्मेन रीनहार्ट, क्या है कार्मेन रीनहार्ट, और पिछले साल ही इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। फिर बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष की, तो याद रखिएगा इनकी भी नियुक्ति पिछले साल ही हुई थी, नाम इनका है मार्कस ट्राइजो, और ये हैं ब्राज़ील के। आगे बात करते हैं आईबीएम के जो नए सीईओ बने थे पिछले साल, तो इनका नाम है अरविंद कृष्णा, और ये भी हमारे भारतीय मूल के हैं। फिर बात करते हैं यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक की, तो हेनरिटा एस फोर इस समय यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन थे उनके प्रमुख के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब चलिए आते हैं अपने देश भारत में, तो पहले बात करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, यानी कि यह एक संवैधानिक पद है जिसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा इस पद पर इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू, कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू है, पिछले साल ही इनकी नियुक्ति हुई थी, और ये हमारे देश के 14वें नंबर के कैग हैं। उसके बाद में बात करते हैं 24वीं महालेखा नियंत्रक की, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की, तो इस पद पर है सोमा राय बर्मन, क्या नाम है इनका सोमा राय बर्मन। आगे बात करते हैं हमारे यहाँ के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, और इनका आर्टिकल कौन सा है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो ध्यान रखिएगा भारत सरकार के ये वकील होते हैं, और इस पद पर इस समय है के वेणुगोपाल, कौन है के वेणुगोपाल, और सॉलिसिटर जनरल इनकी मदद के लिए होते हैं, जिस पद पर इस समय है तुषार मेहता, कौन है तुषार मेहता। आगे बात करते हैं हमारे देश के जो नए अभी मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, तो इनका नाम यहाँ पर है सुशील चंद्र, और सुनील अरोरा का इन्होंने स्थान लिया है। फिर बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त की, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो इस पद पर है एस वर्धन कुमार सिन्हा, कौन है एस वर्धन कुमार सिन्हा, इस समय हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। आगे बात करते हैं इसरो के प्रमुख की, यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो याद रखिएगा इसके इस समय प्रमुख हैं, नाम इनका है के सिवन, क्या नाम है के सिवन इनका नाम है। डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो जी सतीश रेड्डी साहब इस समय इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष की, यानी कि एनएसडी की, तो पिछले साल इस पर नियुक्ति हुई थी परेश रावल की, किसकी अभिनेता परेश रावल की इस पर नियुक्ति हुई थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो इसके भी जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति पिछले साल ही हुई थी,
नाम इनका है अवीक सरकार। क्या नाम है? अवीक सरकार इनका नाम है। अच्छा, एनएसडी आपको कहां पर मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा दिल्ली में। अगली संस्था है एसोचैम, यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखेंगे, इस पे अभी नियुक्ति हुई है विनीत अग्रवाल की पिछले साल। तो याद रखेंगे, विनीत अग्रवाल एसोचैम के समय प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं फिक्की की, तो फिक्की के प्रमुख हैं उदय शंकर। पिछले साल अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी। आगे बात करते हैं ट्राई के प्रमुख की, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख की। तो इस पद पर इस समय है पीडी वाघेला। कौन है? पीडी वाघेला इस समय इसके प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं यूपीएससी के प्रमुख की, तो यूपीएससी के इस समय प्रमुख है, नाम इनका है प्रदीप कुमार जोशी। क्या नाम है? प्रदीप कुमार जोशी इनका नाम है। आगे बात करते हैं वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो इस समय हमारी जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष हैं, इनका नाम है ओम बिरला। क्या नाम है? ओम बिरला इनका नाम है, कोटा से ये सांसद हैं। राज्यसभा में उपसभापति की बात करते हैं, तो आपको याद रखना है राज्यसभा में उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। सभापति तो हमारे वही उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि एमवी नायडू जी हैं, और उपसभापति यहाँ पर हैं हरिवंश नारायण सिंह जी। आगे बात करते हैं हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो ध्यान रखिएगा पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है बिपिन रावत साहब। कौन है? बिपिन रावत साहब। अगला है कि बीसीसीआई के 39वें नंबर के अध्यक्ष कौन है, तो इसके इस समय अध्यक्ष हैं, नाम इनका है सौरभ गांगुली। क्या नाम है? सौरभ गांगुली इस समय इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बीएसएफ के प्रमुख कौन है, तो ये आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर देखने को मिलेगी, और इसके इस समय प्रमुख है राकेश अस्थाना साहब। कौन है? राकेश अस्थाना। फिर बात करते हैं आईटीबीपी के प्रमुख की, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के प्रमुख की, तो ये आपको चीन की बाउंड्री पर मिलेगी, और इसके प्रमुख है एसएस देसवाल, यानी कि सुरजीत सिंह देसवाल। आगे बात करते हैं सीआरपीएफ के प्रमुख की, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के प्रमुख की। तो याद रखिएगा इसके जो प्रमुख थे इनका नाम था कुलदीप सिंह, लेकिन अब इनको इस पद से हटा दिया गया है, और ये हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं। ये हम लोगों ने आज ही करंट अफेयर में डिस्कस किया था। तो याद रखिएगा कुलदीप सिंह जो कि सीआरपीएफ के थे, ये अब हो गए हैं एनआईए के महानिदेशक। असम राइफल की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री ये फोर्स है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और याद रखेंगे आप लोग इसके बारे में कि इसके प्रमुख हैं सुखदीप सांगवान। क्या नाम है? सुखदीप सांगवान। फिर बात करते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त, यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर की, तो इस पद पर हैं संजय कोठारी साहब। पिछले साल इनकी नियुक्ति हुई थी। फिर बात करते हैं सीआईएसएफ के प्रमुख की, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसके प्रमुख थे, नाम इनका था सुबोध जायसवाल। क्या नाम था? सुबोध जायसवाल इनका नाम था, लेकिन अब इनको भी यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि अब ये हमारे सीबीआई के नए महानिदेशक बन गए हैं। किसके? सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए प्रमुख आपके बन गए हैं सुबोध जायसवाल साहब। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो इसके प्रमुख अभी पिछले महीने ही बने हैं, नाम इनका है एम ए गणपति। क्या नाम है? एम ए गणपति इनका नाम है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एम ए गणपति हो जाएगा करेक्ट। फिर बात करते हैं भारतीय विमानन प्राधिकरण की, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो याद रखिएगा इसके इस समय प्रमुख है संजीव कुमार। क्या नाम है? संजीव कुमार इसके अभी नए नए बिल्कुल ताजे प्रमुख बने हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, तो इसके बारे में याद रखिएगा कि इसके इस समय प्रमुख हैं, नाम इनका है सुखवीर सिंह संधू, और पिछले साल इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। UIDAI के नए CEO की बात करते हैं, तो पिछले महीने इनकी भी नियुक्ति हुई है, नाम इनका है यहाँ पर सौरभ गर्ग। क्या नाम है? सौरभ गर्ग इनका नाम है। आगे बात करते हैं रा के हमारे इस समय प्रमुख कौन है, तो इनका कार्यकाल अभी एक सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, और इस पद पर इस समय है सामंत गोयल। कौन है? सामंत गोयल हमारे रा के इस समय प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं भारतीय तटरक्षक दल के इस समय प्रमुख कौन है, तो कृष्णामूर्ति नटराजन यानी कि के नटराजन साहब इस समय हमारे कोस्ट गार्ड के हैं प्रमुख। और कोस्ट गार्ड डे हम कब मनाते हैं? तो 1 फरवरी को हम लोग कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। आगे बात करते हैं नैसकॉम की, तो याद रखिएगा एक्सचेंजर इंडिया की प्रमुख थी यहाँ पर, इनका नाम है रेखा एम मेनन, जो कि अब नैसकॉम की नई अध्यक्ष बनी है। तो नाम इनका याद रखिएगा, नाम है रेखा एम मेनन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी की ये नई अध्यक्ष बनी है। इवन ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आगे बात करते हैं आईबी के प्रमुख की, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हमारे प्रमुख हैं, तो इनका नाम है अरविंद कुमार। क्या नाम है? अरविंद कुमार इनका नाम है, और इनको भी अभी एक साल के कार्यकाल का विस्तार दिया गया है। फिर बात करते हैं आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास साहब इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं।
पहले गवर्नर कौन थे? तो आसबोर स्मिथ पहले गवर्नर थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर थे, उनका नाम है सी डी देशमुख। क्या नाम है? सी डी देशमुख हमारे थे पहले भारतीय गवर्नर। एसबीआई के प्रमुख की बात करते हैं, तो एसबीआई के इस समय प्रमुख हैं रजनीश कुमार, पिछले साल दिनेश कुमार खारा, रजनीश कुमार का इन्होंने स्थान लिया था और पिछले साल इनकी नियुक्ति हुई थी। फिर बात करते हैं वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो वायुसेना के प्रमुख की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है राकेश सिंह भदौरिया। कौन है? राकेश सिंह भदौरिया। बार्क के निदेशक की बात करते हैं, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, जिसकी स्थापना होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा की गई थी, तो इसके इस समय निदेशक हैं, नाम इनका है यहां पर अजीत कुमार मोहंती। क्या नाम है? अजीत कुमार मोहंती। फिर बात करते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ की, तो इनकी इसी साल नियुक्ति हुई है। इस पद पर है सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा। प्रसार भारती के सीईओ की बात करते हैं, तो शशि एम वेम्पति इस समय प्रसार भारती के आपके हैं सीईओ, तो यहां पर आप इनको देख सकते हैं। आगे बात करती हैं सशस्त्र सुरक्षा बल के प्रमुख की, तो इस समय इसके प्रमुख हैं, नाम इनका है यहां पर कुमार राजेश चंद्र। क्या नाम है? कुमार राजेश चंद्र इस समय इसके प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, तो याद रखिएगा इनकी भी अभी नई अपॉइंटमेंट हुई है, नाम इनका क्या है? प्रफुल्ल चंद पंत। तो ये आपको आगे भी मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा प्रफुल्ल चंद पंत इस समय हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अब ये हो गए हैं सेवानिवृत्त, यानी कि जस्टिस एच एल दत्तू का स्थान लिया है प्रफुल्ल चंद पंत ने। आगे बात करते हैं 15th फाइनेंस कमीशन की, तो याद रखिएगा 15वें वित्त आयोग के इस समय प्रमुख हैं एनके सिंह साहब। कौन है? एनके सिंह साहब इस समय 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं 7th पे कमीशन की, यानी कि 7वें वेतन आयोग की, तो इसके इस समय प्रमुख हैं अशोक कुमार माथुर। कौन है? अशोक कुमार माथुर। आगे बात करते हैं कि इस समय हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो इस पद पर इस समय है कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। क्या नाम है इनका? तो कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम इनका नाम है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो इस पद पर है इस समय अजीत डोभाल साहब। 2014 से ही हमारे देश के NSA हैं अजीत डोभाल साहब। आगे बात करते हैं कि महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा रेखा शर्मा इस समय हमारे यहाँ पर महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करते हैं, तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि YC मोदी इसके प्रमुख थे, लेकिन अभी कल ही इनके स्थान पर सुबोध जायसवाल की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन आपका यहां पर, सॉरी यहां पर एक बार फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि NIA के नए प्रमुख बने हैं, उनका नाम है कुलदीप सिंह, जो कि हमारे CRPF के थे। और सुबोध जायसवाल की बात करते हैं, तो ये किसके बने हैं? तो ये बने हैं CBI के। तो दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के इस समय प्रमुख कौन है, तो ये भी अभी फरवरी में बने हैं, नाम इनका है हर्ष चौहान। क्या नाम है? हर्ष चौहान इनका नाम है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, तो याद रखिएगा विजय संपला साहब इस समय इसके हैं प्रमुख, यानी कि ये आपका है NCST, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और ये आपका है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो NCST के हैं विजय संपला और NCST के हैं हर्ष चौहान। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया इसके प्रमुख बने हैं प्रफुल्ल चंद पंत। कौन? जस्टिस प्रफुल्ल चंद पंत इसके इस समय अध्यक्ष बने हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो ध्यान रखिएगा भगवान लाल साहनी इस समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। अच्छा, चलिए कमेंट में आपको ये बताना है कि जो हमारे यहाँ पर NCBC है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है, इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर बात करते हैं सेबी के प्रमुख की, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो ध्यान रखिएगा इसके प्रमुख हैं अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी इसके प्रमुख हैं। सिडबी की बात करते हैं, तो इनकी भी अपॉइंटमेंट अभी पिछले महीने ही हुई है, नाम इनका है शिव एस रमन। क्या नाम है? शिवा एस रमन, यानी कि एस रमन इनका नाम है। आगे बात करते हैं नौसेना के हमारे प्रमुख कौन है, तो नौसेना के हमारे प्रमुख हैं, नाम इनका है करमवीर सिंह। थल सेना की बात करते हैं, तो इसके प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरावने। तो दोनों के नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करते हैं CBI के प्रमुख कौन है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इसके नए प्रमुख बन गए हैं, नाम इनका क्या है, तो नाम इनका है यहाँ पर सुबोध जायसवाल। ध्यान रखिएगा प्रवीण सिन्हा इसके बने थे कार्यकारी, लेकिन अब यहाँ पर नियुक्ति हो गई है सुबोध जायसवाल की। थोड़ा सा मैं अपडेट नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं आपको जानकारी एग्जैक्ट बता रहा हूँ, सुबोध जायसवाल अब आपके CBI के प्रमुख बने हैं। फिर बात करते हैं इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज की, तो इसके हमारे इस समय प्रमुख हैं अरुण कुमार। कौन है? इसके महानिदेशक हैं अरुण कुमार।
आगे बात करते हैं पहले लोकपाल कौन है, तो पहले लोकपाल है पीसी घोष। क्या नाम है इनका? पिनाकी चंद्र घोष। सीबीडीटी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके समय अध्यक्ष नाम इनका है प्रमोद चंद्र मोदी। और वहीं पर हमारी एक सीबीआईसी होती है जिसके समय प्रमुख है एम अजीत कुमार। क्या नाम है? एम अजीत कुमार। आगे बात करते हैं कि एनजीटी का हमारे यहाँ पर प्रमुख कौन है, तो एनजीटी के प्रमुख हैं जस्टिस आदर्श गोयल। कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इस समय हमारे एनजीटी के प्रमुख हैं। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं तो इसके इस समय प्रमुख है शिवदास मीणा। क्या नाम है? शिवदास मीणा इनका नाम है। आगे बात करेंगे नाबार्ड की यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की, तो इसके इस समय प्रमुख है जी आर चिंतला। क्या है? जी आर चिंतला इसके प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, तो इसके इस समय प्रमुख हैं बलराम भार्गव। कौन है? बलराम भार्गव साहब इसके इस समय प्रमुख हैं। आगे हम लोग बात करेंगे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख की, तो इसके अध्यक्ष पिछले साल ही बनी हैं। नाम इनका है शेखर कपूर। क्या नाम है? शेखर कपूर इनका नाम है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका संस्थान है ये मिल जाएगा पुणे में। RBI के चौथे उप गवर्नर अभी कौन बने हैं? तो इनका नाम यहाँ पर है TV शंकर। अभी इनकी बिल्कुल नई नई अपॉइंटमेंट हुई है तो इनके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। फिर बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO की, तो इस पद पर है जे वेंकट रमू। कौन है? जे वेंकट रमू इस समय इसके प्रमुख हैं। यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि की बात करते हैं तो इस पद पर इस समय कौन है? तो इस पे हैं विशाल बी शर्मा। इनकी भी पिछले साल ही अपॉइंटमेंट हुई थी। आगे बात करते हैं ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की, तो याद रखिएगा इस पद पर है रजत सूद। कौन है? रजत सूद इस समय इसके प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं भारतीय बैंकिंग संघ के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है राज किरण राय और पिछले साल ही इनकी नियुक्ति हुई है। आगे बात करते हैं कैबिनेट सचिव इस समय हमारे कौन हैं, तो हमारे इस समय कैबिनेट सचिव हैं नाम इनका है राजीव गौबा। क्या नाम है? राजीव गौबा नाम है। लोकपाल सचिव की बात करते हैं तो इस पद पर है ब्रज कुमार अग्रवाल। कौन है? ब्रज कुमार अग्रवाल इस समय हमारे लोकपाल सचिव हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग राजस्व सचिव की बात करते हैं तो राजस्व सचिव हमारे नए बने हैं, इनका नाम है तरुण बजाज। क्या नाम है? तरुण बजाज इनका नाम है। वित्त सचिव की बात करें तो ये भी अभी बिल्कुल नए बने हैं, इनका नाम है TV सोमनाथन। क्या नाम है? TV सोमनाथन हमारे नए वित्त सचिव बने हैं। आगे बात करते हैं कि हमारे विदेश सचिव कौन है, तो ध्यान रखिएगा विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। क्या नाम है? हर्षवर्धन श्रृंगला इनका नाम है। गृह सचिव की बात करते हैं तो इनका नाम है अजय कुमार भल्ला। कौन? अजय कुमार भल्ला इस समय हमारे गृह सचिव हैं। फिर बात करते हैं कि स्वास्थ्य सचिव कौन है, तो स्वास्थ्य सचिव इस समय है राजेश भूषण। कौन है? राजेश भूषण इस समय हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं। PM के प्रधान सलाहकार की बात करते हैं तो इस पद पर है प्रदीप कुमार सिन्हा। तो इस प्रकार से जितने भी आपके महत्वपूर्ण संवैधानिक, गैर संवैधानिक या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पद हैं उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अगली बार से हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा MCQ के फॉर्म में इन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया करें। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी जो PDF होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।